दो लोग राज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। अभी अमित शाह जी गए राजस्थान में 4 बार, तो उन्होंने कहा मिशन 180 दो समय से। अब आपको मैं कहना चाहूँगा जानकारी के लिए, पिछले 3 महीने से मिशन 180 की बात करने वालों की जबान से ये सब निकलता ही नहीं है। तमाम उनके नेता जो है वो पता नहीं क्या भाषा बोलने लग गए, राम मंदिर की भाषा बोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का 180 हमारे मिशन होगा राजस्थान के लिए, उनकी बोलती बंद हो चुकी है। सही रास्ता है कांग्रेस का, जिसकी नीतियाँ कार्यक्रम सिद्धांत ये सब महात्मा गांधी के ज़माने में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, मौलाना आज़ाद के ज़माने में, सरदार पटेल के ज़माने में बनाए हुए हैं, अम्बेडकर के ज़माने में, उसी से देश चल रहा है 70 साल में। इसलिए आज मुझे खुशी है कि आज हरीश मीणा जी इस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए उन्होंने तय किया। मैं उनका आप सब मैं अपनी तमाम साथियों की ओर से, कांग्रेस की ओर से उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ पार्टी के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि उनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी, हम सब मिलकर के आगे कामयाब होंगे भारी बहुमत के साथ में। जो अफवाहें चल रही थी कि कांग्रेस में फूट है फूट है फूट है, वो जो बीजेपी का षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश भी पिछले 2 महीने में हो चुका है। हम सब एक मैदान में एक साथ उतर रहे हैं चुनाव के अंदर। चुनाव सचिन पायलट जी भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा, सब लोग चुनाव लड़ेंगे।